गाइज, कौन सा ऐसा सब्जी है जो कि परिवार के सदस्य में कहे जाता है, यानी कि उसे परिवार का हिस्सा माना जाता है, वह कौन सब्जी है? आप वीडियो के अंत तक बन रहे, आपको सारे जानकारी मिलेगा कि क्यों कहा जाता है कौन सब्जी को। गाइज, कभी आप 1 से लेकर 100 तक ऐड किए संख्याओं को, जैसे कि 1 + 2, 2 + 3, 3 + 4, इस प्रकार से 1 से लेकर 100 तक आप कभी ऐड किए हैं? नहीं किए होंगे। मैं आपको बताता हूं कि अगर आप इसे ऐड कर रहे हैं तो कितने संख्याओं होंगे पूरा मिलाकर? 550 संख्याओं होंगे इससे पूरे मिलाकर। गाइज, एक ऐसा सब्जी है जो कि फल कहना चाहिए, लेकिन आज तक उसे फल नहीं कहा गया। फल क्यों नहीं कहा गया? फल वह सब्जी है लेकिन उसे फल कहना चाहिए। उसे साइंस के द्वारा प्रमाण करके बताया गया है कि इसे फल के नियमों से यह उगता है, इसलिए इसे फल कहना चाहिए, वह सब्जी कहा जा रहा है। टमाटर, टमाटर के साइंस ने बताया है कि यह फल के प्रक्रिया की तरह उगता है, इसलिए इसे फल ही कहना चाहिए, यह सब्जी नहीं है। गाइज, कौन सा ऐसा सब्जी है जो कि फल कहे जाना चाहिए लेकिन नहीं कहा गया? मैं आपको एक सब्जी का नाम बताए पिछले वीडियो में, लेकिन फिर ये दूसरा सब्जी है जिसे फल कहे जाना चाहिए। साइंस के द्वारा मैं बता रहा हूँ, मैं कोई ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इसी प्रकार से लेकर, साइंस से प्रूव किया, आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। भिंडी, भिंडी लेडीज फिंगर को, यानी कि भिंडी को फल कहे जाना चाहिए, साइंस ने प्रूव किया, आप गूगल पर भी सर्च कर सकते हैं। अगर चार व्यक्ति जो कि एक साथ, अगर चार व्यक्ति एक साथ बैठे हुए हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, तो वह किस विचार के बारे में सोचेंगे अधिक? वह सोचेंगे, क्या सोचेंगे? आप लोग तो यह जानकर सवालों को आप लोगों के आंसर यानी कि माइंड में आ गया होगा, क्या सोचेंगे? 4 व्यक्ति मिलकर सोचेंगे कि ऐसा ना हो कि कोई गेम खेला जाए, जैसे कि ताश पत्ती, लूडो, छक्का मोबाइल वगैरह पर खेला जाता है या हाथ से खेला जाए। इसलिए 4 व्यक्ति कभी एक साथ अगर बैठ रहे हैं, बिना काम का कोई व्यक्ति है, तो इसी प्रकार का उनके माइंड में आएगा कोई व्यक्ति, जैसे कि गेम। गाइज, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया थे कि अगर 4 व्यक्ति एक साथ बैठे हुए हैं जिनके पास कोई काम नहीं है, और जैसे कि काम वो खत्म कर चुके हैं और 4 व्यक्ति एक साथ गप्पे लड़ा रहे हैं, तो उनके माइंड में क्या क्या बातें उत्पन्न हो सकता है? मैंने बताया कि पिछले वीडियो में कि वह गेम खेल सकते हैं, लेकिन एक और बात है कि वह गेम खेलते समय भी चर्चे करते हैं कि किस व्यक्ति को कैसे नीचा किया जाए, जैसे कि कोई व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, वह धनी व्यक्ति बन रहा है, और वह चाहेगा कि उसे कैसे गिराया जा सके, उसे कैसे नुकसान पहुंचाया जा सकता है, उसे कैसे उसे खत्म किया जा सकता है जिंदगी से, इसी प्रकार के उसके। मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जैसे कि हम लोग स्नान करते हैं और जो साबुन से नहाते हैं, जो झाग उत्पन्न होता है साबुन में, वह मेरे बाल जो बहुत पतले हैं उससे कितने पतले साबुन के झाग होते हैं जो सबसे मुलायम होते हैं, वह कितने गुने मेरे बालों से मुलायम होते हैं? 10 लाख गुना मेरे बालों से मुलायम होते हैं साबुन के झाग। सबसे अधिक डाकघर किस देशों में अवेलेबल है, यानी कि सबसे अधिक डाकघर किस देशों में है? आप लोग सुनकर आंसर आपके माइंड में अवेलेबल हो गया होगा, वह कौन सा देश है? आप जिस देश में रहते हैं वही देश तो है, आप किस देश में रहते हैं? भारत। भारत ही ऐसा देश है जहाँ पर सबसे अधिक डाकघर अभी भी अवेलेबल है और पहले भी अवेलेबल था, बाकी देशों में नहीं है। यूरोप में एक मॉर्फिन जगह है जिसका नाम क्यों, यानी कि कैसे नाम उसका पड़ा? कोई ना कोई जगह होता है जिसका कोई रीजन होता है, लेकिन इसका कोई अद्भुत रीजन है, इसके कारण मैं आपको वीडियो बनाया हूँ। जी हाँ, मॉर्फिन क्या, यानी कि मॉर्फिस ग्रीक का एक ऐसे देवता है जिनके नामों पर मॉर्फिन यूरोप के जगहों में रखा गया। यूरोप देश के जगह में मॉर्फिन एक ऐसा नाम रखा गया जो कि मॉर्फिस ग्रीक के देवताओं का नाम। पेड़ों को आप काट कर जो उसका तख्ता होता है उससे आप कितने प्रकार के वस्तुएं बनाए जा सकते हैं? वस्तु यानी कि जैसे कि चेयर, कुर्सी, बेड यानी कि पलंग, बेंच, बेंच होता है वो, बेंच, अलमारी,
जो कि गेट होता है उसका गेट दरवाजा पला, आप कितने इस प्रकार के बनाए जा सकते हैं आपको पूर्ण रूप से बता नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं बता देता हूँ कि सबसे अधिक 5000 वस्तुएं एक लकड़ी से बनाए जा सकते। कौन सा सब्जी है जो कि हमारे परिवार के सदस्य कहे जाते हैं? आप लोगों के यहाँ सवाल सुनकर हम आशा करते हैं कि आप लोगों के यहाँ जवाब खुद मिल गया होगा, लेकिन नहीं मिला है तो मैं फिर भी बताना चाहता हूँ कि वह कौन सा सब्जी है। कभी आप सोचे हैं कि आपके पास आलू यानी कि आलू है वो हमेशा अवेलेबल रहता है, प्याज हमेशा अवेलेबल रहता है, लेकिन बाकी कोई सब्जी आपके पास हमेशा अवेलेबल नहीं रहता है, इसलिए आलू और प्याज को पारिवारिक सब्जी यानी कि परिवार का समूह कहा जाता है। मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।